बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। द प्रोसेस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द प्रोसेस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन में क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जो हम एक ही वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं या फिर एक करते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर जो रिजॉल्व होता है वो कितने कंपोनेंट में होता है, दो कंपोनेंट में। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है ना। अभी हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखें, ये हमारे पास ए वेक्टर था, ठीक है ना, एक वेक्टर था जिसका नाम हमने रखा ए, ठीक है ना, ए वेक्टर। अभी इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, जो एक्स एक्सिस पे होगा वो ए एक्स, जो वाई वाई एक्सिस पे होगा वो क्या होगा, ए वाई, और ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, यहाँ पे एंगल बनाएगा। तो एंगल के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो बेस होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो फाइनल होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बेस है पार्टीन्यूज। साइन के नीचे वाले एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे वो कॉस रेशो यूज़ करेंगे, और सामने में साइन रेशो यूज़ करेंगे, और ये क्या होगा, टेन रेशो होगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास ए वेक्टर है, अभी हमने इसको डिवाइड किया दो कंपोनेंट में, एक हो गया ए एक्स और दूसरा क्या हो गया, ए वाई, ठीक है ना। अभी हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला अगर हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस पे क्या है, ए एक्स, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज पे क्या है, ए एक्स अपॉन ए डिवाइड में इस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये फार्मूला हो गया किसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। सेम एस वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला बनाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला है, ठीक है ना। अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए हम फार्मूला रखेंगे, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए फार्मूला है। अगर हमें एंगल फाइंड करनी हो, डायरेक्शन फाइंड करना हो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ये फार्मूला रखेंगे। ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा।